श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निधि समर्पण अभियान हरियाणा के अंतर्गत आज श्री कृष्ण कृपा धाम सेक्टर 9 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसको स्वामी ज्ञानानंद एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निधि संपर्क अभियान से जुड़े संत महात्माओं एवं गणमान्य व्यक्तियों ने संबोधित किया। इस मौके पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में जो भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उसके लिए हरियाणा की ओर से अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति को श्री राम मंदिर से भावनात्मक तरीके से जोड़ने के लिए जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत हर व्यक्ति मात्र 10 रुपए से लेकर अपना सहयोग मंदिर के निर्माण में दे सकता है। उन्होंने कहा कि यह राशि इसलिए रखी गई है ताकि जो भी देशवासी अयोध्या में जाएं, वह भावनात्मक तरीके से श्री राम मंदिर से जुड़े और ये महसूस करें कि उसने भी इस मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि मात्र 10 रुपए से लेकर अधिकतम कितनी भी राशि श्री राम मंदिर निर्माण में दी जा सकती है। ये राम मंदिर सिर्फ पूजा पाठ में घंटी बजाने के लिए नहीं होगा, बल्कि इसमें गरीब से गरीब व अमीर से अमीर व्यक्ति जुड़ सकता है। इसका उद्देश्य ये भी रहेगा कि जो भी व्यक्ति दूसरे देशों से भारत में भ्रमण के लिए आए, वह अयोध्या में श्री राम मंदिर को देखने अवश्य जाए। जिसके चलते आज करनाल में श्री कृष्ण कृपा धाम में एक मीटिंग की गई है और फरवरी माह में एक अभियान के तहत प्रत्येक घर में जाकर संत महात्मा लोगों से जुड़ेंगे। इसके बाद श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए सहायता राशि इकट्ठी की जाएगी। इस मौके पर श्री राम मंदिर निधि क्षेत्र न्यास से जुड़े संत महात्माओं के अलावा शहर के गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। कि श्री राम मंदिर वहां पर बहुत जल्दी निर्मित होकर के आने वाला है 2.5-3 साल के अंदर, और इस समय उसकी नींव की तैयारियां चल रही हैं कि उसकी नींव, उसकी आधारशिला माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान श्री मोदी जी 5 अगस्त को वैसे रख चुके हैं, लेकिन अब नींव उसकी सुदृढ़ हो, उसकी मजबूत हो और उसके बाद एक दिव्य भव्य सुंदर प्रेरक मंदिर वहाँ पर बन करके आए, उसके लिए निधि समर्पण एक अभियान चलाया जा रहा है समग्र भारतवर्ष में, जिसमें भारत के लगभग 11 करोड़ परिवारों के बीच में जा करके और ख़ास तौर पर देहात में जा करके एक योजना बनी है कि देहात में जा करके, और देहात में भी बड़ा स्पष्ट आज मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि देहात में, ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण क्षेत्र में और उसमें भी झुग्गियों में, झोपड़ियों में, और ख़ास तौर पर वो ऐसे परिवार जो अपने आप को मानते हैं कि हम कहीं लोगों की दृष्टि में समाज से कटे हुए हैं, ये प्रभु श्री राम, राम का ये कार्य, ये अभियान उन सबको जोड़ेगा। इसमें उन सबको जोड़ने के लिए, उन सबको एक करने के लिए, जैसे प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने जीवन में सबको गले लगाया था, ढोल भील किरात खस स्वपचाति अत्यग रूप जे, जैसे हम लोग सुनते रहते हैं, जैसे उन्होंने इन सबको गले लगाया था, तो ये इस अभियान में शामिल होगा जिसकी आज मीटिंग हो रही है, कि इसमें उन लोगों के ढोल होंगे, भील होंगे, किरात होंगे, अंत्यज होंगे, जो होंगे उनके घरों में हमारे संत भी पहुँचें, और संत भी पहुँच करके उनसे आग्रह करें, सहयोग की भी बात करें और उनसे उनके घर में भोजन भी करें, जिसमें अब हम संत लोग यहाँ बैठे हैं आपके सामने, हम उसमें सब अपनी भूमिका निभाने वाले हैं। उन लोगों के घरों में जाएंगे, उनके बीच में बैठेंगे, वहाँ भोजन प्रसाद भी लेंगे और भोजन प्रसाद के साथ साथ उनको प्रेरणा भी देंगे कि भैया प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है और उसमें आपका योगदान तन का, मन का, धन का, चाहे वो 1 पैसे से लेकर के 1 रुपए से लेकर के जहाँ तक जितना जो दे सकता है वो उनका सबका योगदान। उसमें कारण मुख्य क्या होगा कि सबकी आत्मीयता, सबकी भावना प्रभु श्री राम के मंदिर से जुड़े, और उसके बाद उनको भी लगे कि हमें अछूता नहीं समझा गया है, हमें गैर वैर या अलग नहीं समझा गया, हमें गरीब समझ करके छोड़ नहीं दिया गया है। यहाँ पर ये करोड़पति, अरबपति, लखपति जो दुनिया भर के लोग होते हैं सबका सहयोग इसमें अपेक्षित रहेगा, लेकिन वो लोग कहीं अपने आप को ये महसूस ना करें कि भई हम तो रेड़ी वाले हैं, हम झोपड़ी वाले हैं, हम गरीब लोग हैं, हम तो भेड़ चराने वाले हैं, हम तो दूध बेचने वाले हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको ये महसूस होने लगे। तो उनके बीच में संत लोग भी जाएंगे और लोग भी जाएंगे, हमारा विश्व हिंदू परिषद जाएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता वहाँ पर जाएगा और जाकर के उनसे हम सहयोग मांगेंगे। ये हमारा एक अभियान है, उस अभियान को लेकर के आज यहाँ पर उसी संदर्भ में यहाँ पर इस मीटिंग का आयोजन हुआ। बाकी मुख्य तो हमारे पूज्य महाराज श्री बैठे हैं या हमारे सुरेंद्र जैन जी बैठे हैं, वो चर्चा करते हुए अगली बात सामने रखेंगे। अंतिम शब्दों में कहना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम का बनने वाला अयोध्या में मंदिर, वो पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा होगा,
एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र होगा और उसमें जो भी जनजाति दुनिया भर की जो मानव जाति है उसको संदेश देने वाला होगा। केवल मात्र ये नहीं है कि राम हमारी आस्था का केंद्र है, राम अवतार हैं, भगवान हैं, इसलिए उनका मंदिर उनकी जन्मभूमि पर बनाया जा रहा है, वो नहीं है। उसके पीछे आने वाले युग युगों तक वो पूरे समाज को, राष्ट्र को, मानवता को खास तौर पर प्रेरणा देता रहे, उनकी प्रेरणा का केंद्र वो बनने वाला है और फिर उससे लोग लाभान्वित भी हों। केवल मंदिर, केवल वहां पर घंटी घड़ियाल बजकर के आरती वंदन होगा, ऐसा भी नहीं होगा। उससे लोग लाभान्वित हों तो यानी उसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं होंगी जो जन जन वहां से लाभ उठाएगा, उनके बच्चे होंगे, गरीब लोग होंगे और लोग होंगे वहां फायदा उठाएंगे। तो ऐसा वो केंद्र जहां चेतना का निर्माण, एक हमारी आत्मा का उसको बल मिलने वाला वो कार्य वहां पर होगा और उसके साथ साथ व्यवहारिक भी, सामाजिक भी लोगों को लाभ पहुंचाने वाला वो केंद्र बनेगा। तो उस मंदिर निर्माण को लेकर के बहुत जल्दी वो हो, उसके लिए जो योजना बनाई जा रही है युद्ध स्तर पर, विश्व स्तर पर, तो उसके लिए आज यहाँ पर इस संगोष्ठी का, इस मीटिंग का आयोजन हुआ। उसी संदर्भ में हमारे पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज ने लगभग स्पष्ट कर दिया है कि आज की बैठक का मंतव्य क्या था। निधि समर्पण योजना जो एक प्रारंभ की जा रही है वो केवल धन के रूप में निधि ही लक्ष्य नहीं है, यद्यपि धन की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी, वो है ही है, लेकिन विशेष बात, क्योंकि बहुत बड़ी ऑफर्स देश के और विदेश के भी धनपतियों के द्वारा श्री राम मंदिर के लिए आई हैं कि हम इतना लगा के बना देंगे, एक परिवार या एक कंपनी बना सकती है, लेकिन ऐसा निर्णय इसलिए नहीं लिया गया कि राम मंदिर किसी एक संस्था, किसी एक व्यक्ति तक सीमित ना रहे। राम मंदिर जैसे राम जन जन के हैं, शबरी के भी हैं, केवट के भी हैं, निषाद के भी हैं, वनवासियों के भी हैं, ग्रामवासियों के भी हैं, और हम सब जानते हैं कि हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु और मृत्यु उपरांत भी राम नाम सत्य के रूप में राम हर विधा में हमारे साथी हैं। तो सबको लगे कि जैसे राम हमारे हैं, राम मंदिर भी हमारा है। इस दृष्टि से ये अभियान गांव-गांव तक जाने वाला है, नगरों में भी रहेगा, वनवासी क्षेत्रों में रहेगा, सब बस्तियों में रहेगा, और हमें विश्वास है कि इस अभियान के माध्यम से एक नया विश्वास जागृत होगा, सद्भावना जागृत होगी, और जिसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक समरसता की भावना जागृत होगी, एक समरसता का भाव पनपेगा कि जब संत और कार्यकर्ता के किन्हीं बस्तियों में जाएंगे और उनसे ये कहेंगे, और ऐसा भी कोई दबाव नहीं दिया जा रहा कि किसी ने 1 लाख ही देना है या इतने हज़ार देना है, 10 रुपए से ये योजना नीचे के धरातल से प्रारंभ की जा रही है कि 10 रुपए और रुपए का महत्व तो नहीं, अपनत्व का, कि जब वो व्यक्ति भी जिसने 10 रुपए दिए होंगे वो भी कभी अवध जाएगा कि ये वही स्थान जिसमें मेरी भी सहभागिता है, तो सबकी सहभागिता जुड़े, तो उस दृष्टि से ये अभियान चलाया जा रहा है। और पूज्य स्वामी धर्मदेव जी ने कहा कि मंदिर केवल मंदिर के लिए नहीं, मंदिर तक नहीं, मंदिर तो होगा ही होगा, लेकिन आदर्श राम के क्या थे, परंपराएं राम की क्या थी, मर्यादाएं राम की क्या थी, उनका एक चित्रण वहां होगा और विश्व के एक ऐसा केंद्र होगा, पर्यटन की दृष्टि से भी विश्व से कोई भी आए तो उसका मन करे कि मैं यदि दिल्ली या लखनऊ के एयरपोर्ट पे उतरा हूँ तो उसका मन करे कि भारत आया हूँ तो मुझे अयोध्या में होके जाना है, ऐसी एक दिव्यता का प्रकटीकरण वहाँ हो कि कोई विश्व से भारत आए उसको लगे कि बिना अयोध्या गए मेरा भारत आना अधूरा सा रहेगा। तो ऐसी एक दिव्यता वहाँ निर्मित होने जा रही है और हमें लगता है कि सबकी सद्भावना जुड़ेगी ही जुड़ेगी और हमारे पत्रकार बंधुओं की भी सद्भावना निश्चित इसमें जुड़ेगी, सब साथ मिलके यहाँ भी और करनाल के सभी पत्रकार
बंधु भगनी सबके प्रति हमारा सदैव ये रहता है कि जब जब कुछ ऐसा अभियान होता है कि तो सभी एक सद्भाव के स्वर के साथ ऐसे अभियानों को लेते ही हैं, तो आप सबकी सद्भावना अपने रूप में साथ रहेगी, संतों की मार्गदर्शन के रूप में भी, और अपने शिष्य वर्ग जहाँ जहाँ संपर्क है वहाँ उनको प्रेरित करने के रूप में भी निश्चित रहेगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.